नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलियस के बारे में कि ठंड में इसको किस तरह से हम देखभाल करें और कैसे इसको बिल्कुल सुंदर और घना बनाएं। आप कोलियस को किस जगह पर रखें, किस टाइम फर्टिलाइज़र दें, सभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर एक वैरायटी है जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लगती है, किसी भी जगह को कलरफुल बनाने के लिए कोलियस प्लांट सबसे अच्छा है। अगर सनलाइट नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इसके लिए जो बिल्कुल अच्छी जो कंडीशन है, जिसमें ये बहुत अच्छे कलर भी देगा और बहुत ही बढ़िया तरह से चलेगा, वो है छनी छनी सी 3-4 घंटे सनलाइट। इसको बिल्कुल छनी छनी सनलाइट चाहिए 3-4 घंटे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन पर आ रही है अभी। तो इस तरह की इसको 3-4 घंटे अगर मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छे कलर भी देगा और बहुत ही बढ़िया तरह से चलेगा। अभी जैसे सर्दियों का टाइम है, तो इसको 3 दिन में आप 4 दिन में पानी दीजिए चेक करके, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। गर्मी में भी हमेशा इसमें चेक करके ही पानी दें, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो भी अच्छे से नहीं चलता, और अगर इसको बिल्कुल कम लाइट में रख देंगे तो भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसको इस तरह से आप छनी छनी सनलाइट में रखिए, ब्राइट लाइट में, तो इसे कलर बहुत अच्छे आएंगे और ये बहुत ही बढ़िया तरह से चलता रहेगा। फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ही कम दीजिए, वरना इसकी पत्तियां जली जली होने लगेंगी। आप महीने में एक बार इसमें 1 चम्मच के करीब राख डाल दीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फर्टिलाइज़र आप 1 महीने से पहले इसमें ना दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए तो बहुत बढ़िया इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और कटिंग से बहुत आसानी से प्लांट चल जाता है, तो इसकी कटिंग हमेशा लगाते रहिए। अगर कटिंग नहीं भी लगाते हैं तो इसकी पिंचिंग करते रहिए, ऊपर से इसको तोड़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ जाएंगी, जैसे कि आपको इसमें दिख रही हैं। ऊपर से टिप को तोड़ दीजिए तो नई ब्रांच आती हैं 2-3, तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा घना होता जाता है। और ये जो वैरायटी है बहुत ही सुंदर है कोलियस की, जो मेरे पास ये 2 हैं, और जो इसकी सिंपल वैरायटी जो आती हैं अलग अलग रंगों की, वो भी बहुत ही सुंदर रहती हैं। मेरे पास उसमें से एक प्लांट है जो अलग आगे की तरफ रखा है। तो कोलियस का कोई भी प्लांट हो, केयर करने का तरीका सबका एक जैसा है, और कटिंग भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। कटिंग से आप इसकी कटिंग पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ इस प्लांट को नहीं चाहिए, पानी इसमें बहुत ही कम देना है, हमेशा चेक करके पानी दीजिए। सर्दियों में तो 3रे दिन 4थे दिन पानी देना पड़ता है, और छोटे गमले में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो एक ज़रूरी चीज़ है वो है 4 घंटे कम से कम इस तरह से छनी छनी सी सनलाइट और अच्छी ब्राइट लाइट, तो इसे कलर्स बहुत अच्छे आएंगे और ये बहुत बढ़िया चलेगा। और इसको घना करने के लिए इसकी टाइम टाइम पर पिंचिंग करते रहें, तो इसमें नई ब्रांच आती रहेंगी चारों तरफ से, ये बहुत घना हो जाएगा छोटे से गमले में ही। ये मेरे प्लांट छोटे छोटे गमलों में लगे हैं, 6-6 इंच के गमले हैं, उसी में देखिए कितना मतलब घना हो रहा है पौधा, और पूरा जो ये एरिया है पूरा कलरफुल रहता है इधर वाला। तो जहाँ भी आपको रंग बिरंगे पौधे लगाने हो कम सनलाइट में, तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।